नोएडा में संपत्ति के लालच में दो सगे भाइयों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई और शव को बोरी में डालकर पुनपुन नदी में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि बेटा के नेउरा ओपी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गाँव के विनोद कुमार ने दो शादियां कर रखी है। जमीन के बंटवारे के विवाद में अपने सौतेले भाई ने ही अनीश और विश्वम का अपहरण किया था। पुलिस ने इस हत्या मामले में शामिल विनोद कुमार की पहली पत्नी और उसके दो पुत्रों को गिरफ्तार कर अन्य सहयोगी की तलाश में जुट गई है। बच्चे का हत्या करने का कारण है हिंसा के लिए। जो दो भाई है, एक माँ है, उसकी माँ पहले दिन थाना ने उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना ने कुछ सुनवाई नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं किया। दो तीन दिन हो गया, उसके बाद ये लड़का को दोनों लोग को मार कर कहीं जंगल में बिक दिया लोग। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे, उसको फांसी तक ले पहुंचाया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और इस घटना में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय तिवारी हैं फुलैन पर। मृत्युंजय, बहुत दुखद घटना है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में? हाँ मैम, ये तो घटना तो दिल दहलाने वाली घटना है, जो दो मासूम की अपने नहीं हत्याग्रस्तों को फेंका था। आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मैम, लेकिन परिजन का कहना है कि जब तक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा ना मिलते तब तक हम शांत नहीं बैठ पाएंगे। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले अपहरण किया गया था, अगर पुलिस अपनी तत्परता दिखाती तो क्या बच्चों को बचाया जा सकता था? मृत्युंजय, आरोप लग रहा है परिजनों के द्वारा कि पुलिस ने लापरवाही बरती, अगर पहले पूछताछ की गई होती कड़ाई से तो क्या बच्चों को बचाया जा सकता था? ऐसा नहीं मैम, जिस दिन अपहरण हुआ था पुलिस का कहना है कि जिस दिन अपहरण दोपहर में अपहरण होगा था उसी दिन हत्या कर दी थी। हम लोग काफी छानबीन किए लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस जी, मृत्युंजय आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बेहद दुखद घटना है, जहां दो मासूम बच्चों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई, वो भी उनके सौतेले भाइयों के द्वारा। और मामला था जमीन विवाद का, जिसकी भेंट चढ़ गए दो मासूम बच्चे। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो परिजन हैं वो काफी हलकान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बगहा में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 14 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा देकर घर लौट रही युवती के साथ ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 14 तारीख को दो कांड हुआ था चिउठा थाना क्षेत्र में, उसमें जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले अभी को राजू बैठा जो है उसको पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया था। उसके बाद हमारा और भी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा था, तो अनुसंधान के क्रम में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसकी इस कांड में और बगहा में दुष्कर्म हत्या मामले में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए बगहा से संवाददाता राकेश सोनी है फोनलाइन पर। राकेश, एक और कामयाबी पुलिस के हाथों मिली है, लेकिन काफी वक्त लग गया दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी? जी बता दें, आदिवासी युवती के साथ 14 मार्च के दिन अपहरण कर उसकी रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक टेम्पो चालक को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था 18 तारीख को। उसके बाद से लगातार क्षेत्र में युवती के शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश हो गया था, धरना प्रदर्शन करने के बाद तमाम तरीके से लोगों ने अपना विरोध जाहिर कर रहे थे और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए हर पहलू पर अनुसंधान करते हुए और उसने आज जो दूसरा अभियुक्ता उस मामले में जो दोनों टेम्पो चालक और जो अभी आज जो गिरफ्तार हुआ है अभी दोनों में संयुक्त रूप से मिलकर उस व्यक्ति के साथ रेप किया था और उसकी हत्या की थी। पुलिस ने सारे मामले पर सारे कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है इस घटना में? जी अभी तक पुलिस ने बताया कि फिर इस घटनाक्रम में दो लोग अभियुक्त है, जो एक पहले राजू बैठा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और आज
सलाहुद्दीन खा को झुन्ना खा को गिरफ्तार किया गया है, जो गोड़िया पट्टी का रहने वाला है, बघा नगर थाने के था। और दोनों में आपस में अच्छा संबंधों के साथ चुटाहा जो आज जो भी गिरफ्तार हुआ था, चुटाहा थाना क्षेत्र के चुटाहा में किसी व्यक्ति के यहाँ हमेशा आना जाना इसका रहता था, और उस टेम्पू जो चालक था राजू बैठा उससे इसकी जान पहचान हो गई थी। उस दिन राजू बैठा टेम्पू से उस दिन भी सलाहुद्दीन खा ऑटो से चुटाहा जा रहा था, और रास्ते में जो ऑटो में लड़की बैठी थी और पैसेंजर बैठे थे, रास्ते में सारे पैसेंजर उतर गए, सिर्फ युक्ति बची हुई थी आदिवासी युक्ति, उसको लेकर जब आगे बढ़े थे दोनों ने आपस में राय कर लिया और उसके साथ ले जाकर दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी। राकेश, इस मामले में बघा के लोग काफी आक्रोशित दिख रहे थे, लगातार प्रत्येक दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, कैंडल मार्च भी कर रहे थे। अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल चलाने की बात कही जा रही है क्या? आज गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है तो लोगों में पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास जग गई है। और बता दें कि इस मामले में पुलिस के जो अनुसंधान हुआ है, जो सारे नतीजे पहुंच के पुलिस ने जो बयान दिया है, उसमें इस घटनाक्रम में सिर्फ दो ही लोग ही मौजूद थे, जो ऑटो चालक और यह सलाहुद्दीन था, जो दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, दोनों को जेल भेज दिया गया है और स्पीडी ट्रायल कराकर उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राकेश सोनी। तो आपको बता दें कि बघा की खबर है, जहां बीते 14 मार्च को एक छात्रा जो परीक्षा लेकर लौट रही थी बिहार पुलिस की, और ऑटो में लौटने के दौरान ऑटो चालक और अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म के बाद उस छात्रा की हत्या कर दी, जिसके बाद लोग काफ़ी आक्रोशित थे, लगातार वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि आरोपी को पहले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो अन्य आरोपी था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के नवीन पुलिस लाइन में गुरुवार की रात भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि छोटे सिलेंडर में विस्फोट होने से आग लग गई। पहले तो पुलिसकर्मियों ने खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग से कई सिलेंडरों में विस्फोट हो गया तो वहां के सारे पुलिसकर्मी बाहर भाग निकले। इस अगलगी में पुलिसकर्मियों के सामान और सारे हथियार भी जल गए, साथ ही जब्त किए गए 100 से अधिक वाहन भी आग की चपेट में आ गए, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। जमी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिले के झाझा प्रखंड के करहरा पंचायत में 175 लीटर महुआ शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही शराब भट्टी को भी नष्ट किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह छापेमारी की थी। करहरा पंचायत के कठोतिया गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में एक्साइज विभाग के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल थे। मेरे थाना का पदाधिकारी कुवानी रामाधार यादव, सैनी दिलीप कुमार एवं बीएमपी सशस्त्र बल के साथ में छापेमारी किए, तो बहुत मात्रा में शराब एवं जावा होता है, खुला हुआ वो और चूल्हा भट्टी। और ज्यादा जानकारी के लिए जमुई से संवाददाता हर्ष है फोन लाइन पर। हर्ष, पुलिस को कैसे मिली है सफलता? जी मंजुल, देखिए लगातार होली को लेकर शराब माफियाओं का जो है वो उनका जो भी शराब को लेकर जो उनका खरीद बिक्री का जो भी उनका वसूल है वो लगातार जारी है, और उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के निर्देश पर सारे थाना प्रभारियों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वो लगातार छापेमारी कर जो गुप्त रूप से सूचना के आधार पर जो है वो बीएमपी और एसटीएफ के जवानों के द्वारा उनके सहयोग से पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं पर कमर कसने का काम करे। और इसी दौरान झाझा थाना प्रभारी को भी जब सूचना मिली कि झाझा प्रखंड के करारा पंचायत के कटौतिया गांव में इस प्रकार की वारदात होने वाली है और होली को लेकर जो है बड़ा तस्कर शराब माफियाओं के द्वारा होने वाला है, तो उस पर उन्होंने छापेमारी की, और उस दौरान पुलिस की पूरी दल बल के साथ तैनाती रही और उसमें से एक भागने में भी कामयाब रहे और 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है। हर्ष, 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, क्या पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं? जी मंजूर, बिल्कुल, लगभग 6 की संख्या में, जैसा कि थाना प्रभारी ने बताया कि 6 की संख्या में लोग वहां पर थे और पुलिस की गाड़ी को देखकर लोग जो है भागने लगे। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है,
वहीं दो लोग भागने में कामयाब रहे हैं और पुलिस जो थाना प्रभारी उनका कहना है कि जल्द ही सूचना के आधार पर पूछताछ जारी है और जल्द ही सूचना के आधार पर प्राथमिकी के बाद उन लोगों से पूछताछ करने के बाद और लोगों की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो जमुई की खबर है जहां शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी के तहत चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 175 लीटर महुआ शराब भी जब्त की गई है।